Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों को एक एक कर तालिबान कुचल रहा है। आए दिन इस्लामिक कानूनों में नया फेरबदल कर तालिबानी वहां मौजूद महिलाओं की जिंदगी को और कठिन बना रहे हैं। तालिबानियों ने महिलाओं के लिए एक नया कानून लागू किया है, जिसके मुताबिक अगर कोई महिला बाहर निकलती है तो उसे अपना चेहरा तो ढकना ही होगा। इसके साथ ही साथ वो किसी से बात नहीं करेगी और अगर उसकी आवाज भी निकली तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इस कानून की पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है। तालिबान की ये क्रूरता देख यूएन भी चिंता में आ गया है। तालिबान के इस नए कानून पर यूएन ने आपत्ति भी जताई है, लेकिन तालिबान ने यूएन की एक भी नहीं सुनी। तालिबानियों ने यूएन की बात को मानने से इनकार कर दिया है। तालिबान सरकार की नैतिकता पुलिस ने इसे विरोधी पक्ष बताते हुए कहा है कि वो अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के मिशन में सहयोग नहीं करेगा। तालिबान का ये बयान संयुक्त राष्ट्र मिशन की ओर से दी गई चेतावनी के बाद आया। तालिबान ने कहा है, अपने निरंतर प्रचार के कारण अब से प्रभावी PVPV UNAMA के साथ कोई समर्थन या सहयोग प्रदान नहीं करेगा। तालिबान ने कहा है कि हम चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन, देश और वो व्यक्ति जिन्होंने उल्लेखित कानून की आलोचना की है, वो मुसलमानों के धार्मिक मूल्यों का सम्मान करें और ऐसी आलोचनाओं और बयानों से बचें जो इस्लामी मूल्यों और पवित्रता का अपमान करते हैं। बता दें, संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ दोनों ने ही तालिबान को चेतावनी दी है कि यह कानून अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ जुड़ाव की संभावना को नुकसान पहुँचा सकता है। UNAMA को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा PVPV सहित तालिबान अधिकारियों के साथ जुड़ने का आदेश दिया गया है, जिनके साथ इसने नैतिक निरीक्षण नीति और प्रवर्तन की प्रथाओं पर सीधे तौर पर चिंता जताई है, मगर तालिबानी अपने लाए फरमान पर अड़े हुए हैं। वहीं इससे पहले अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन की प्रमुख रोजा अटुन बायोवा ने कहा था कि अफगानिस्तान के भविष्य के लिए एक संकटपूर्ण दृष्टिकोण है, जहां नैतिक कानूनों का हवाला देकर किसी को भी धमकाने, जेल में डालने और कठोर दंड जैसे प्रावधान लागू किए गए हैं। ये कानून अफगान महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों पर पहले से ही असहनीय प्रतिबंधों को बढ़ाता है। यहाँ तक कि घर के बाहर एक महिला का बोलना भी कानून का उल्लंघन माना जाता है। यूएन की आपत्ति के बाद भी तालिबानी महिलाओं पर लाए गए इन फरमानों को बदलने के मूड में नहीं है, बल्कि वो तो दुनिया भर को ये संदेश पहुंचा रहे हैं कि जो भी कानून वो लेकर आए हैं, बाकी के देश उसकी आलोचना से बचें, बल्कि उसके धार्मिक मूल्यों का सम्मान करें। आपको बता दें, तालिबान के न्याय मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि ये नियम 2022 में तालिबान के सर्वोच्च आध्यात्मिक नेता ने एक आदेश जारी कर दिया था। अब आधिकारिक तौर पर इन्हें लागू किया गया है। इन कानूनों का पालन होता है या नहीं, इसके लिए खास तौर पर नैतिक पुलिस की तैनाती भी की गई है। इसमें नियम को ना मानने वालों के लिए अलग अलग तरह की सजा है, जैसे कि सार्वजनिक तौर पर कोड़े मारना, धमकी, जुर्माना और जेल तक की सजा भी इसमें लिखी गई है। तालिबान की इसी क्रूरता के कारण कई देशों ने उसे मान्यता नहीं दी है, मगर फिर भी तालिबान को इससे जरा भी फर्क पड़ता नहीं दिखाई दे रहा। और अब तो तालिबान ने यूएन पर भी पलटवार करना शुरू कर दिया है। तालिबान के इस बयान पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।